प्रश्न संख्या 66 देखेंगे। कह रहा है द फोकी ऑफ द एलिप्स एक्स स्क्वायर बटे 16 प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर इक्वल टू 1 और हाइपरबोला दिया गया है हमको। कह रहा है कि इनके जो दोनों की फोकी हैं वो क्या है, कोइंसाइड्स हैं, यानी कि समपाती हैं। मतलब कहने का मतलब दोनों क्या है, एक ही फोकी हैं, है ना। देन द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर, कह रहा था बी स्क्वायर का मान क्या होगा, तो हम पहले इसका फोकी निकालते हैं फिर इसका फोकी निकालेंगे, दोनों फोकी इसको हम क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे, दोनों को बराबर कर देंगे। चलिएगा, ये हमारा देखिए हमने क्या किया, 1/25 था, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में इसे कन्वर्ट करना है, तो 1/25 का 25 हटाया जाए, 25 इधर मल्टीप्लाई में आएगा, यानी कि हमारे पास इक्वेशन हो जाए कितनी, 25x² / 144 माइनस 25y² / 81 = 1। फिर ये 25 जो इंटू में, इसको हम नीचे डिवाइड में लाएंगे तो 144 के बटे में आएगा, यानी कि हमारे पास जो हाइपरबोला की इक्वेशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, x² / 144 के बटे में 25 माइनस y² / 81 = 25 बराबर 1 हो गया। हमने क्या किया, इसको मैं लिख दिया 144 में सकते हैं 12 और इसको लिख सकते हैं 5, 12/5 का होल स्क्वायर, और इसे लिख सकते हैं 9/5 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म से अगर इसे हम कन्वर्ट करें तो ए का जो वैल्यू आ गया हमारे पास 12/5, बी का वैल्यू जो आ गया वो 9/5 आ गया, और हमारे पास एक रिलेशन होता, मतलब हम इसकी फोकी कब निकाल पाएंगे। देखिए इसकी जो फोकी होगी वो हो जाएगी हमारी क्या, प्लस माइनस ए ई कॉमा जीरो, है ना, प्लस माइनस ए ई कॉमा जीरो। उस वाले की फोकी क्या हो जाएगी, मान लीजिए प्लस माइनस, इसको आप ए डैश मान लीजिए, ए डैश और ये ई डैश, है ना, सेंट्रिसिटी इसकी, इलिप्स की सेंट्रिसिटी मान लीजिए आप ई डैश, ये हो जाएगी जीरो। मतलब कि हमें क्या चाहिए, ए और ई चाहिए, तो ई मिल जाए हमको, तो ई के लिए हम यहाँ पे रिलेशन लगाएंगे, हाइपरबोला है ना, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर इंटू यहाँ पे होता है ई स्क्वायर माइनस 1, है ना, इलिप्स में क्या होगा 1 माइनस ई स्क्वायर, हाइपरबोला में क्या हो जाएगा ई स्क्वायर माइनस 1। बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे हम देखें तो कितनी दी गई है, 81/25, हम यहाँ पे 81/25 रखें, 81/25, और ए स्क्वायर की वैल्यू रखें तो ये आ गई है 144/25 बराबर में आ जाएगा, इंटू में आ जाएगा ई स्क्वायर माइनस का 1, 25 से 25 काट दीजिए, ये आ जाएगा 81/144, एक ई स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा इधर, 81/144 इक्वल टू ई स्क्वायर माइनस 1, 81/144 प्लस 1 इक्वल टू ई स्क्वायर, 81 और 144 को जोड़ा जाएगा कितना आ जाएगा, ये 225, 225 बटे में आ जाएगा 144 इक्वल टू क्या रहेगा, ई स्क्वायर, है ना, इक्वल टू क्या रहेगा, ई स्क्वायर। अब यहां से अगर हम ई की वैल्यू निकालना चाहें तो ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ई इक्वल टू आ जाएगा भैया, वर्गमूल लेंगे 15 और इसका आ जाएगा 12, काट देंगे दोनों को तो कट के आएगा 5, 3 से काटेंगे 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, यानी कि यहां पे हमारी जो सेंट्रिसिटी आ गई वो कितनी आ गई, 5/4। अच्छा यहां पे देखा जाए सेंट्रिसिटी कितनी आती है, प्लस माइनस, ए का मान कितना है भाई, 12/5, ये है यहां पे ए का मान 12/5, 12/5, और ये कितना आ गया, 5/4, 0, ठीक है, 5 से तो 5 कट जाएगा, 4 × 3 = 12, यानी कि सेंट्रिसिटी आ जाएगी प्लस माइनस का 3, 0 इक्वल टू। अब यहां पे आइए, ए का मान कितना है, ए का मान हमको दिया गया है 16, है ना, चलिए ए का मान देखिए, ए स्क्वायर का मान 16 है, ए डैश का मान 16 है, तो ए स्क्वायर का मान 16 दिया गया, तो ए कितना आ जाएगा, 4, ये आ जाएगा भैया प्लस माइनस 4 ई डैश कॉमा 0, ठीक है। इसमें देखिए यहां से, है ना भैया, ए का मान कितना है, यहाँ पे ए डैश का मान कितना है, ए डैश का स्क्वायर बराबर कितना है, ये 16 है, कंपेयर करेंगे तो ए डैश बराबर कितना आ जाएगा, 4, हमने ए डैश बराबर यहाँ पे 4 रख दिया, ठीक है। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ना, x² + y² + b² = 1 से कंपेयर करेंगे तो हमने चूंकि ए यूज कर लिया इसलिए हमने क्या लिया, ए डैश लिया, तो ए डैश स्क्वायर बराबर 16, तो ए डैश बराबर आ गया 4, क्योंकि ये दोनों क्या है, कोइंसाइड्स हैं, है ना, संपाती हैं, इसलिए क्या होगा, दोनों बराबर होंगी। बराबर कब होंगी, जब ये वाला और ये वाला भी दोनों क्या हो जाएं, बराबर हो जाएं, यानी कि जो प्लस माइनस का 3 है वो बराबर आ जाए किसके, प्लस माइनस 4 ई डैश के, है ना, प्लस माइनस हटा दीजिए तो ये आ जाएगा 3/4 बराबर ई डैश, है ना। अच्छा 3/4 बराबर कितना आ जाएगा, ये ई डैश हो जाएगा। अब यहां से हमको ई डैश का जो मान मिल गया वो 3/4 मिल गया,
ई डैश का मान 3/4 मिल गया। हम क्या करेंगे, हमें निकालना बी स्क्वायर का मान, और रिश्ता हमारा वही है इलिप्स के साथ, बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है ए स्क्वायर इंटू 1 - ई स्क्वायर, है ना। फिर कितना हो गया भैया, बी स्क्वायर हमें नहीं पता, ए का वैल्यू हमको दिया गया है, ए का वैल्यू कितना उसने दिया है 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 गुणे 1 - ई स्क्वायर, तो 1 - 9/16, तो ये कितना जाएगा 7 हो जाएगा, है ना, कितना जाएगा 7/4, अरे 7/16 होगा भाई, 7/16, 16 से 16 काट दीजिए, तो बी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 7। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 66 का ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 67। करेक्ट क्वेश्चन ऑफ द टेंजेंट, करेक्ट क्वेश्चन ऑफ द टेंजेंट टू द पैराबोला, हमको पैराबोला दी गई है और इस पैराबोला के 2.1 पॉइंट पे हमको टेंजेंट निकालना है। तो देखिए क्या दिया है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू दिया है हमें 4x, हम डिफ्रेंशिएट करके इससे क्या करें, इससे हम निकालते हैं, डिफ्रेंशिएट करिए तो आ जाएगा 2yy इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भैया, यहाँ पे 4 बचेगा, है ना, x का तो 1 हो जाएगा, कितना बचेगा ये 4, काट दीजिए इसको, ये हो गया 2, यानी कि y डैश बराबर कितना आ गया 2/y। अब आप निकाल दीजिए क्या y डैश कहाँ पे, 2.1 पे, y डैश एट 2.1 कितना आ जाएगा 2/1, y का मान 1 है ना, 2/1 यानी कि प्रवणता आ गई 2। अच्छा प्रवणता हो गई 2 और हमें निकालना है, मान लीजिए कि हमारा परवलय है, इसकी टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है, जा कहां से रही है, ये जा रही 2.1 से पास हो रही है, और इसकी प्रवणता कितनी है 2, यानी कि तब इक्वेशन हो जाएगी y - y1 कितना है 1 इक्वल टू प्रवणता, प्रवणता कितनी दी गई 2 इंटू x - x1 कितना गया है 2, है ना, कितना हो जाएगा y - 1 इज इक्वल टू 2x - 4, 2×2=4 हो जाएगा। अच्छा सबको उठा के उधर ही ले जाइए, तो आ जाएगा 2x - y, है ना, 2x - y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, और ऐसी कोई भी इक्वेशन नहीं है, इसलिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 67 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे, एक बेहतरीन क्वेश्चन कह सकते हैं इसे हम। अच्छा यहाँ पे हमसे पूछा गया है, यू दिया गया है, यू इज इक्वल टू log 10 π/4 + θ/2, ये दिया गया है। अब देखिए अगर हम इसे थोड़ा सा मेंटेन करें, इस लॉग को हटा दें, तो हम इसे e^u में लिख सकते हैं, है ना, इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, तो e^u इज इक्वल टू हो जाएगा 10 π/4 + θ/2, 10 45 + θ, अगर हम tan a+b से इसे ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा 1 - 1 + tan θ/2 डिवाइडेड बाई 1 - tan θ/2, है ना, ये चीजें आ गई। अब देखिए हमें करना क्या है, e^u आ गया, e^-u निकाल दीजिए, अगर हम e^-u निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सिर्फ माइनस हो जाएगा भाई, पावर माइनस में जाएगी और ये अंश का हर हर का अंश बन जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 1 - tan θ/2 डिवाइडेड बाई 1 + tan θ/2। अब दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, है ना, यानी कि ये हो जाएगा e^u + e^-u/2 इक्वल टू 1/2, इन दोनों को जोड़ना है। देखो जोड़ेंगे तो हमारे पास जो एलसीएम के रूप में आएगा वो आएगा 1 - 1 - tan θ/2 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 1 + tan θ/2, है ना, यानी कि अब हमारे पास बनने वाला है 1 - a+b a - b बन जाएगा 1 - tan²θ/2। अब देखो ये दोनों हो जाएंगे, एलसीएम जब लेंगे दोनों को जोड़ रहे हैं, 1 + tan θ/2 + 1 - tan θ/2, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास सिर्फ बचने वाला है क्या भाई, a+b² + a - b² में दोनों को जब जोड़ा जाता है 2ab2 वाले टर्म कट जाते हैं, a² + b² ये वाला टर्म बचता है, है ना, तो इसे 2 चुपचाप निकाल दीजिए और ये आ जाएगा 1 + tan²θ/2, ये 2 और ये 2 दोनों काट दीजिए। अच्छा ये tan²θ/2 हो गया, ये क्या हो गया हमारे पास tan²θ/2 जो कि 1 + tan²θ/2 जो बन जाता है क्या sec²θ/2 डिवाइडेड बाई, यहां पे हम देखेंगे अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे
साइन कॉस में, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बटे कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, एलसीएम लेंगे तो कितना जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बटे कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये बन जाएगा नीचे कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा, कॉस 2 थीटा होता नहीं है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है ना, और नीचे डिवाइड में रहेगा हमारे पास कौन, डिवाइड में इसके बटे में आएगा कॉस स्क्वायर थीटा, उसे आप इन टू में ले लीजिए, तो सेक स्क्वायर थीटा आएगा, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा को काट दीजिए, ये आ गया 1 बाई कॉस थीटा, और ये आ गया 1 बाई कॉस थीटा, और ये क्या है, ये है कॉस हाइपरबोलिक, ये क्या बन गया, कॉस हाइपरबोलिक यू, ये क्या होता है, क्या कॉस हाइपरबोलिक यू ही तो होता है, ई की पावर यू प्लस ई की पावर माइनस यू बटा दो, अगर यहां पे माइनस लगा होता तो साइन हाइपरबोलिक यू बन जाता, तो ये आ गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें रिश्ता चाहिए टैन हाइपरबोलिक यू बाई टू, है ना, हम एक रिश्ता यहां पे इस्तेमाल करेंगे, एक रिलेशन यहां पे यूज करेंगे, है ना, रिलेशन क्या होगा हमारा, देखिएगा, हम चाह रहे हैं टैन लाना है तो ऊपर साइन बने, तो हम ये कॉस हाइपरबोलिक यू लेंगे और माइनस कर लेंगे वन, क्योंकि जब भी हम ओपन करेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा वन प्लस टू साइन स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक, साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक यू बाई टू, ये बन जाएगा, तो ऊपर साइन बाई साइन बन जाएगा, साइन यू बाई टू साइन हाइपरबोलिक यू बाई टू, और नीचे क्या करेंगे, नीचे प्लस में ले लेंगे कॉस हाइपरबोलिक यू प्लस वन, अच्छा ये हमने ले लिया, रखा जाए हाइपरबोलिक की वैल्यू रखा जाए, तो देखिए कॉस हाइपरबोलिक यू की वैल्यू आई है वन बाई कॉस थीटा, इसकी जगह पे वन बाई कॉस थीटा रखेंगे तो वन बाई कॉस थीटा माइनस वन, है ना, और वन बाई कॉस थीटा प्लस वन, कॉस थीटा लेंगे एलसीएम, तो वन माइनस का कॉस थीटा ये बन जाएगा और डिवाइडेड बाई आ जाएगा ये वन प्लस कॉस थीटा, वन प्लस कॉस थीटा हो गया। अच्छा अब क्या करिए, इसे हाफ एंगल में चेंज किया जाए, इसे हाफ एंगल में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा क्या, वन प्लस टू साइन स्क्वायर, है ना, हाइपरबोलिक यू बाई टू, माइनस का वन पहले से है वहां पे, डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा टू कॉस, ये अब क्या करेंगे, इसे हम कॉस में कन्वर्ट करेंगे, टू कॉस हाइपरबोलिक, टू कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक यू बाई टू, माइनस वन हो जाएगा ये, और प्लस वन वहां पहले से है, है ना, माइनस वन ये हो जाएगा, प्लस वन वहां पे पहले से है। अच्छा अब देखिएगा, ठीक है, इक्वल टू, देखिए अब यहां पे हाफ एंगल में चेंज करेंगे, इसको तो चेंज कर देना, यहां पे ऊपर बचने वाला साइन में कन्वर्ट करेंगे इसको, तो ऊपर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू बनेगा, और नीचे टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू बनेगा, तो टू से टू कैंसिल हो जाएगा, ये टेन स्क्वायर थीटा बाई टू बन गया। ठीक है, इधर देखिए, इस वन से इस वन को काटिए, इससे इसको काटिए, अब ये बचेगा टू से टू कट जाएगा, अब हमारे पास इधर आ गया क्या, टेन स्क्वायर हाइपरबोलिक यू बाई टू इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा बाई टू, दोनों तरफ ले लीजिए वर्गमूल, तो आ जाएगा टेन हाइपरबोलिक यू बाई टू इक्वल टू टेन थीटा बाई टू, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 68 का ए वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा आगे करेंगे क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 में हमसे कहा है कि द कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई विच सेटिस्फाइड द इक्वेशन। अच्छा ये इक्वेशन हमको दी गई है, कॉम्प्लेक्स नंबर हमारी है जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, हम क्या करेंगे भाई, अगर हमें पता है कि ये लिखा होता क्या जेड वन मॉडुलस जेड वन बटा जेड टू इक्वल टू वन, तो इसे हम लिख सकते थे मॉडुलस जेड वन बटे मॉडुलस जेड टू, तो इसे भी सेम लिखा जा सकता है, अगर हम सेम इसको इस तरीके से लिख देंगे तो ये आ जाएगा मॉडुलस का जेड जेड माइनस फाइव पाई, और डिवाइड में आएगा जेड प्लस फाइव पाई मॉड के अंदर, और इक्वल टू में वन है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा जेड प्लस में फाइव आई। अच्छा जेड की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, एक्स प्लस आई वाई, एक्स प्लस आई वाई माइनस पांच आई इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई प्लस फाइव पाई, हमें क्या करना है दोनों तरफ मॉडुलस लेना है, ये कितना आ जाएगा भैया, ये मॉडुलस में आ जाएगा एक्स स्क्वायर, देखिए मॉडुलस है, हम चाहे तो दोनों तरफ वर्ग भी कर दें, तो मॉड लगाएंगे वर्ग निकालेंगे, वर्गमूल लगता है मॉड में तो हट जाएगा, दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए तो अंडर रूट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा भैया आई आई वाले
वाई माइनस पांच का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, और ये हो जाएगा हमारा वाई प्लस पांच का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से आपको एक्स स्क्वायर को काट देना है। अच्छा, उसके बाद इसको भी इधर ले आओ, ये कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस पच्चीस माइनस का पांच दूनी दस वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस का पच्चीस प्लस का दस वाई। ठीक है, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर काट दीजिए, पच्चीस से पच्चीस काट दीजिए, और बीस वाई बराबर हो जाएगा क्या, जीरो, है ना। बीस वाई इक्वल टू जीरो, यानी कि वाई इक्वल टू जीरो का मतलब क्या हुआ कि एक्स अच्छा है ना, एक्स अच्छा है। तो कह रहा है द स्ट्रेट लाइन वाई इक्वल टू जीरो, यानी कि यही ऑप्शन बी वाला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। 69 में ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 70 में कह रहा है कि द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ऑन कॉम्प्लेक्स प्लेन फॉर्म्ड बाय द कॉम्प्लेक्स नंबर, चार हमें कॉम्प्लेक्स नंबर, तीन कॉम्प्लेक्स नंबर दी गई हैं, है ना। अब देखिए भाई ये क्या है, तीन कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, ये मान लीजिए एक वर्टेक्स हो गया हमारा, एक तो हो गई जेड, है ना, ठीक है। दूसरी क्या है हमको दी गई है आई जेड, तीसरी क्या दी गई है कॉम्प्लेक्स नंबर, तीसरी कॉम्प्लेक्स नंबर हमको दी गई जेड प्लस आई जेड। ये चारों कॉम्प्लेक्स नंबर, तीन कॉम्प्लेक्स नंबर हमको दी गई है। अगर हम इनसे पॉइंट बनाना चाहें तो भाई रियल पार्ट अलग रखते हैं, इमेजिनरी पार्ट अलग रखते हैं, तो पहला पॉइंट जो बनेगा, ये वाला जो पॉइंट बनेगा वो बन जाएगा हमारा क्या, जेड कॉमा जीरो। दूसरा पॉइंट क्या बन जाएगा भाई, यहाँ पे आई वाला है, पहले रियल पार्ट रखा जाता है फिर इमेजिनरी पार्ट। अब जेड के साथ अगर हम बनाना चाहें तो इमेजिनरी पार्ट तो है नहीं, तो क्या हो जाएगा जेड कॉमा जीरो बन जाएगा पॉइंट, ये क्या बन जाएगा जीरो कॉमा जेड बन जाएगा, और ये वाला क्या बन जाएगा भैया जेड कॉमा जेड बन जाएगा। अच्छा, अब हमें निकालना है एरिया, एरिया निकालना है जो तीन पॉइंट्स, ये तीनों पॉइंट्स से होके जाता है, ट्राइंगल बनेगा, है ना, ट्राइंगल बनेगा, ट्राइंगल का एरिया हमको निकालना है। निकालते हैं भाई ट्राइंगल का एरिया, देखिएगा आपको हमने क्या बताया कि आप आराम से निकालेंगे एक बटे दो, एक बटे दो। अच्छा, पॉइंट रखा जाए, पहला पॉइंट जेड जीरो, जेड जीरो हो गया, फिर जीरो जेड, फिर दूसरा तीसरा पॉइंट क्या है जेड कॉमा जेड। अच्छा, और एक मेथड आप, हमने आपको बताया पहला पॉइंट जो होगा उसे रिपीट कर दीजिए, पहला पॉइंट रिपीट कर दीजिए, रिपीट कर दिया, ठीक है। अब क्या करना है, एक बटे दो को चुपचाप रहने दीजिए, ठीक है, एक बटे दो को चुपचाप रहने दीजिए, ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करो जेड स्क्वायर हो जाएगा, ये जेड स्क्वायर प्लस, देखिए इसके कैसे मल्टीप्लाई होगा, जीरो प्लस जीरो माइनस, माइनस करके अब हमें मल्टीप्लाई करना है इसका इससे, तो ये जीरो ही आएगा और ये जेड स्क्वायर हो जाएगा, जेड स्क्वायर हो जाएगा, और आगे ये भी जेड स्क्वायर हो जाएगा प्लस का जेड स्क्वायर, ठीक है। अच्छा भाई, एक बटे दो, एक बटे दो, ठीक, कितना हो जाएगा ये जेड स्क्वायर माइनस का टू जेड स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट करेंगे एक बटे दो जेड स्क्वायर आएगा, है ना, वो भी माइनस का आएगा, तो माइनस को बाहर पहले निकाल लें, माइनस का आएगा। अच्छा, हमें क्या होता है एरिया में ना मॉड लेना होता है, एरिया में क्या लेना होता है मॉड, एरिया मॉड में होता है, पॉजिटिव लिया जाता है, एरिया कभी निगेटिव नहीं होता ना, तो कितना हो जाएगा एक बटे दो मॉडुलस जेड का स्क्वायर, है ना। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी 70 का जो सी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71 में कह रहा है कि इफ द थ्री लाइंस, तीन लाइन दी गई हैं हमको, कह रहा है कि ये कंकरेंट लाइंस हैं, अगर ये कंकरेंट लाइंस हैं तो इनके द्वारा, है ना, एक्स का गुणांक, वाई का गुणांक और अचर पद, एक्स का गुणांक, वाई का गुणांक और अचर पद, एक्स का गुणांक और वाई का गुणांक और अचर पद, इनके द्वारा जो बनी डिटरमिनेंट होगी उसकी वैल्यू शून्य के बराबर होगी अगर ये कंकरेंट लाइंस हैं तो। चलिए बनाते हैं इनसे, इनके द्वारा बना हुआ डिटरमिनेंट देखा जाए क्या आ जाएगा भाई, एक्स का गुणांक पहले वाली में वन, वाई का गुणांक पहली वाली में वन, और वन को हम इधर लाएंगे, वन को इधर लाएंगे तो माइनस का वन हो जाएगा, कॉन्स्टेंट हमको इधर लाएंगे क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, है ना। चलिए ये पहली पहली लाइन हो गई, दूसरा वाले में देखेंगे, फिर ये वन आ गया, माइनस का वन आ गया, और ये माइनस का फाइव आ गया, फिर इसके साथ आ जाओ टू आ गया, थ्री आ गया, माइनस का के आ गया, और इक्वल में आ गया कितना जीरो। अच्छा, अब निकाला जाए इसकी वैल्यू, निकालते हैं इसकी वैल्यू, देखते हैं कितना आता है 71।
सॉल्व करते हैं, वन को चुपचाप रखा जाए, एक्सपेंड ही कर देते हैं सीधा, कितना आ जाएगा भैया ये के प्लस 15। माइनस के वन को यहाँ रखा जाए, ये छूटेगा, ये छूटेगा, माइनस का के प्लस 10 है ना, हाँ प्लस कितना हो जाएगा 10। फिर माइनस के वन को रखिए, ये छूटेगा, ये छूटेगा, 3 प्लस 2, 3 प्लस 2 मिला के कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे, इक्वल टू कितना है 0, के की वैल्यू निकालना है हमको, तो ये आ जाएगा के प्लस 15 माइनस, देखो माइनस में प्लस होगा, प्लस का के और माइनस का 10 माइनस का 5 इक्वल टू 0। 10 और 5 15 से कैंसिल हो जाएंगे है ना, प्लस और माइनस के हैं, 2k = 0, के इक्वल टू कितना आ गया साहब 0, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे। 72 में भी हमसे कह रहा है कि द लाइन LX प्लस MY प्लस N इक्वल टू 0, तीनों लाइन दी गई हैं और कह रहा है कि नॉट ऑल इक्वल, कह रहा है कि सभी इक्वल नहीं हैं, आर कंकरेंट इफ, कह रहा है कि ये कंकरेंट होंगी यदि, तो कंकरेंट होने का मतलब सीधी सी बात है कि डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 0 होगी। तो पहली वाली लाइन L M N, दूसरी वाली लाइन में आ जाओ क्या है M N L, तीसरी वाली लाइन में आ जाओ, तीसरी लाइन हो जाएगी N L M, या x का गुणांक यहां रखे हैं, y के गुणांक यहां रखे हैं, कॉन्स्टेंट टर्म यहां पे रखा है, इक्वल टू 0। जब भी तीनों लाइन कंकरेंट लाइंस होंगी तो हमें क्या करना होगा, उसके डिटरमिनेंट बनाएंगे और डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या करेंगे इक्वल टू 0 ले लेंगे। अब एक काम करते हैं, सबको ऊपर ले जाकर जोड़ दो, सबको यानी कि R1 R2 R3 को R1 में जोड़ दीजिए, हम करना क्या है R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अच्छा जोड़ेंगे, देखो यहां पे L प्लस M जुड़ेगा, N जुड़ेगा, तो L प्लस M प्लस N, यहां सेम देखो यहां पे भी हमारे पास M प्लस N प्लस L बनेगा, यहां जोड़ेंगे तो N प्लस L प्लस M, कुल मिला के मतलब कि ऊपर हमारे पास पूरी जगह पे, यहां पे भी, यहां पे भी और यहां पे भी L प्लस M प्लस N आ जाएगा, जिसको हम पूरे से कॉमन ले सकते हैं, L प्लस M प्लस N है ना, एक ये बन जाएगा और अगला ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, भाई यहां तो सब निकल गया, 1 बचा और ये M हो गया, ये N हो गया और ये L हो गया, ये हो गया N और ये L हो गया और ये M हो गया इक्वल टू 0। अगर हम यहां से पहले फैक्टर को 0 कर दें, पहले फैक्टर को 0 कर दें, भाई एक फैक्टर हमको मिल चुका है ना, एल एम प्लस एल प्लस एम प्लस एन इक्वल टू 0 है ना, एक तो ये हो गया। दूसरा हम यहां से क्या कर सकते हैं, इसे भी निकाल सकते हैं है ना, इसका फैक्टर निकालो भाई, देखो ये 1 हो जाएगा, रहने दीजिए से चुपचाप, वैसे आंसर आ चुका है हमारे पास, L प्लस MN प्लस N ऑप्शन है भी है ना, लेकिन करना चाहते हैं तो हम एक और रिलेशन यहां से निकाल सकते हैं, हो सकता है ये ना दिया होता तो अगला वाला रिश्ता फिर होता है ना, 1 रख दीजिए इनटू, ये छोड़िए, ये छोड़िए, कितना हो जाएगा ये एम एन माइनस का एल स्क्वायर माइनस का 1, ये छूटेगा, ये छूटेगा और ये कितना आ जाएगा भैया एम स्क्वायर आ जाएगा और माइनस का आ जाएगा एम स्क्वायर और एल एन ln प्लस 1 हो जाएगा, ये छूटेगा, ये छूटेगा, एल एम माइनस का एन स्क्वायर इक्वल टू में 0। अब हम देख रहे हैं यहां पे कि हमारे पास आने वाला है क्या एम एन माइनस का एल स्क्वायर माइनस का एम स्क्वायर प्लस एल एन प्लस एल एम माइनस एन स्क्वायर इक्वल टू 0। अच्छा एल और एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर को उधर भेज दीजिए तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू, अगर हम लाना चाहें तो हो सकता है क्या एल एम प्लस एम एन प्लस एन एल है ना, ये हो सकता है, ये रिश्ता दिया नहीं तो पहला वाला जो रिश्ता है यानी कि एल प्लस एम प्लस एन इक्वल टू 0, यही रिलेशन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 72 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73 में हमसे कह रहा है कि हाँ देखते हैं, कह रहा है कि पी क्यू एंड आर आर थ्री पॉइंट सच दैट द एंगल पी क्यू आर इज अ राइट एंगल, पी क्यू आर एंगल पी क्यू आर राइट एंगल है ना, तो देखिएगा यहां पे चित्र बना लेते हैं, पी क्यू आर राइट एंगल है तो हमारा यहां पे क्यू होगा जो राइट एंगल है, यहां पे 90 अंश का कोण बन रहा है
और ये हैं मिस्टर पी, ओ ये हमारे पी हैं, और पी दिया गया है 3.1, और आर के दिया गए हैं कोऑर्डिनेट कितने दिया गया, उसने दिया x, y, क्यू के कोऑर्डिनेट दिए हैं 6.5। अच्छा अब बताइए, आगे कह रहा है कि सच दैट इज अ राइट एंगल, इसके बाद कह रहा है कि अगर त्रिभुज पी क्यू आर का जो क्षेत्रफल है वो कितना है 7 है, देन द नंबर ऑफ सच पॉइंट आर इज, कह रहा है कि कितने पॉइंट्स होंगे, है ना। अब देखिएगा भाई, यहाँ पे अगर ये दोनों, ये 90 अंश का कोण बन रहा है, तो ये रेखा की प्रवणता, क्यू आर की प्रवणता और पी क्यू की प्रवणता दोनों का गुणनफल क्या होगा 1। हमें पता है ना कि दो रेखाओं की प्रवणताओं का गुणनफल क्या होता है -1 के बराबर होता है, कब, जब ये दोनों क्या बन रहे हो, अगर ये दोनों 90 अंश का कोण बना रहे हो एक दूसरे से, अभी एक दूसरे पे लंब हो, तो लंब वाली कंडीशन इन दोनों में लगा दी जाए, तो पहले हम निकालते हैं रेखा पी क्यू की प्रवणता, पी क्यू की प्रवणता कितनी हो जाएगी 5-1 यानी कि 4 बटे, अरे y2-y1 तो 5-1 यानी कि 4 बटे x2-x1 4-3 यानी कि कितना आया 3, ये प्रवणता हो गई गुणे m2। अब देखिए m2 के लिए देखते हैं कितना हो जाएगा भैया, qr की प्रवणता कितना हो जाएगी, ये हो जाएगी y-5 बटे x-6 इक्वल टू कितना -1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाए और इक्वेशन को बनाया जाए, तो कितना आ जाएगा ये 4x-6 कितना हो जाएगा 24, है ना, x-6 है ना, हाँ, तो 6 चौका कितना हो जाएगा ये 24 हो जाएगा, करेक्ट, अरे 6 चौका 24 कहाँ कर रहे हैं हम, 3 से गुणा करेंगे ना, सॉरी। अब देखिएगा ऊपर इनका गुणा करो, ये हो जाएंगे 4y-20 बराबर में आ जाएगा 3x, वो भी माइनस के हो जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी वहां माइनस है, तो माइनस के 3x, अब प्लस के कितना हो जाएगा 18। अच्छा ये हो जाएगा 3x+4y=38, समीकरण 1 बना दीजिए इसको, ये हमारा पहला समीकरण हो गया, ठीक है। दूसरा, अब देखिए बात आ रही एरिया की बात आ रही है ना, एरिया कितना दिया गया है, ट्रायंगल पी क्यू आर का जो क्षेत्रफल दिया गया है, को जो एरिया दिया गया है हमको, वो दिया गया है कितना 7। एरिया हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ले सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव लेने के पीछे पर्पज क्या है, क्योंकि एरिया हम लोग मॉडुलस में निकालते हैं, मॉड में निकालते हैं, तो कई बार नेगेटिव रहता तो हम छोड़ देते हैं उसे, लेकिन हम यहां पे मैथमेटिकली ले रहे हैं चूंकि, तो हम प्लस और माइनस दोनों ले रहे हैं, प्लस का 7 भी ले सकते हैं, माइनस का 7 भी ले सकते हैं, है ना। ये कितना आ जाएगा 1/2, अच्छा ये 3.1 हो जाएंगे, ये 6.5 हो जाएंगे, ये x, y हो जाएंगे, और ये 3.1 हो जाएंगे, बराबर में आ जाएगा कितना +-7। इस 2 का मल्टीप्लाई उधर कर दीजिए और ये कितना हो जाएगा 5 × 3 = 15, 15+6y+x, है ना, इनका मल्टीप्लाई किया, इसका मल्टीप्लाई किया, इसका मल्टीप्लाई किया, माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे 6, इसका मल्टीप्लाई किया +5x, और ये +3y = कितना आ गया +-14, है ना। अब देखिए कैलकुलेट करेंगे इसे, ये आ जाएगा 15+6y+x -6 -5x - 3y = +-14, है ना। अब आगे नेक्स्ट देखें, कैलकुलेट करेंगे x को x के साथ कैलकुलेट कर लीजिए, तो -4x बचेगा, -4x प्लस का हो जाएगा 3y, और 15 में 6 घटा देंगे तो यहां पे 9 बचेगा, और बराबर में आ जाएगा हमारे पास कितना +-14, है ना। अब देखिए इस इक्वेशन में एक बार हम पॉजिटिव लेंगे और एक बार नेगेटिव लेंगे, है ना। देखिएगा यहां पे जब प्लस के 14 लेंगे, है ना, जब हम प्लस के 14 लेंगे, है ना, जब हम यहां पे प्लस के 14 लेंगे तो क्या बनेगी इक्वेशन, इक्वेशन बन जाएगी हमारी -4x+3y = देखो यहां पे प्लस का 9 है, उधर जाएगा घट जाएगा, तो कितना बच जाएगा भैया 4 बच जाएगा, है ना, 9 4 13 हो जाएंगे। अच्छा ठीक है,
तो ये क्या हो जाएगा, अब बन जाएगा हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी, एक तो ये तो चार हो जाएगा ना, और इधर नौ है, नौ पांच चौदह, पांच आ जाएगा, है ना। तो एक इक्वेशन हमारे पास ये बन जाएगी, इसे मान लीजिए समीकरण दो बना दीजिए, ठीक है। दूसरा, जब हम निगेटिव साइन लेते हैं तो माइनस का 4x प्लस का 3y, और देखो यहां माइनस का 14 रहेगा, और इधर से ये जो प्लस वाला 9 था उधर जाएगा, माइनस का होके जाएगा, तो माइनस का 23 आ जाएगा। तीन समीकरण मिल चुके हैं हमें r पॉइंट को सॉल्व करने के लिए, r पॉइंट पाने के लिए, हमें x और y के मान पाने के लिए हमारे पास तीन समीकरण हैं, जिसमें अगर हम एक और दो को हल करें, देखिए दो और तीन को हल करेंगे तो ये तो दोनों लगभग सेम लाइन है, है ना। देखिए दोनों क्या है, सेम लाइन है, तो यहां से हमें तो कुछ नहीं मिलने वाला है ना, कोई कोई सॉल्यूशन नहीं होगा इनका, है ना। a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2, तो दो और तीन से हमको कोई हल नहीं मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, एक बार हल करेंगे, किसको, एक और दो को हल करेंगे, और उसके बाद एक बार हम करेंगे समीकरण एक और तीन को, तो एक सॉल्यूशन हमको यहां से प्राप्त होगा, एक सॉल्यूशन यहां से प्राप्त होगा x और y का, अरे बिल्कुल प्राप्त होगा, है ना। a1 upon a2 does not equal to b1 upon b2 है, हल करने की जरूरत नहीं है। इन दोनों क्वेश्चन में देखिए, समीकरण एक और समीकरण दो में देखिए, a1 upon a2 does not equal to b1 upon b2 है, तीन बटे माइनस तीन बटे चार बराबर चार बटे तीन, दोनों बराबर नहीं, मतलब एक हल निकल जाएगा। तो एक हल यहां पे x और y का यहां हो गया, और एक हल यानी कि एक सॉल्यूशन यहां हो गया, यानी कि मिला के कितने सॉल्यूशन हो गए, दो सॉल्यूशन हो गए। तो कह रहा है कि r के लिए कितने सॉल्यूशन होंगे, तो दो सॉल्यूशन होंगे, r ऐसे क्या होंगे, दो पॉसिबल होंगे, यानी कि सी की ऑप्शन नंबर सी 73 में क्या होगा, सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ, 74 क्वेश्चन नंबर 74 एक बेहतरीन क्वेश्चन कह रहा है, अलाइन एल पासेस थ्रू द पॉइंट, कह रहा है एक लाइन एल है जो पास हो रही कहां से, एक कॉमा एक से। अच्छा, एक कॉमा एक से ये पास हो रही है, एक मिनट थोड़ा सा लिखने के लिए जुगाड़ करना पड़ेगा, है ना। हम पॉइंट्स को बीच के ऑप्शंस को छिपा देते हैं, सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन पे बात करते हैं, देखिएगा। हाँ, लाइन L है जो पास हो रही है, हम पहले क्या करते हैं, एक्सेस बना देते हैं, अक्ष बना देते हैं, देखिएगा। अच्छा, ये लाइन L हमारी पास हो गई, कहां से पास हो रही है, 1, 1 से, एक पॉइंट है यहां पे 1, 1, ठीक, पॉइंट कौन से पास हो रही है, और 2, 0 से भी पास हो रही है, तो 2, 0 हमारा यहां पे है, तो 2, 0 से ये यहां पास हो गई, ठीक है। इस लाइन का नाम क्या है, L, इस लाइन का नाम L। अच्छा, उसके बाद कह रहा है एनादर लाइन M विच इज परपेंडिकुलर टू L थ्रू द पॉइंट 1, 2, है ना। अच्छा, 1, 2 से खींची गई है ये लाइन, और इस पे परपेंडिकुलर है कौन, M, ठीक है, इसे भी निकाल देते हैं। ये कहां से, यहां पे एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट हमको दिए गए 1, 2, है ना। चलिए 1/2, 0 ये पॉइंट हो गया हमारा, इस लाइन का नाम है M, ये लाइन है हमारी M। अच्छा, इसके बाद हम सारे पॉइंट्स को लेट करेंगे, हमें क्या कह रहा है, पूछा है देन द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन एल एम वाई, है ना। हमें एरिया निकालना है, कौन सा एरिया निकालना है, आप समझिए, हमें एरिया निकालना है एक तो वाई एच के द्वारा, तो वाई एच तो ये वाला है, ये वाई एच हो गया। अच्छा, उसके बाद एम लाइन, एम लाइन ये है और एल लाइन ये है, इन तीनों के द्वारा जो फॉर्म्ड एरिया है वो निकालना है, इनके द्वारा जो बनाया गया क्षेत्रफल है, ये वाला क्षेत्रफल हमको चाहिए। ये क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं बहुत आसानी से, है ना, बस हमें थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। यहां पर 90° का दिया गया है क्योंकि परपेंडिकुलर है, तो 90° है, नो डाउट। अच्छा, पॉइंट्स के नाम दे दिए जाए, पॉइंट्स के नाम दे दिए जाए, इस पॉइंट का नाम हम पी रख रहे हैं, इस पॉइंट का नाम हम क्यू रख रहे हैं, सॉरी क्यू तो है ना पहले से, ये पॉइंट क्यू है हमारे पास, चलिए इस पॉइंट का नाम आप क्यू रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, वो पॉइंट नॉर्मल हमने 1, 2 खींच दिया है, और इस पॉइंट का नाम आर रख दीजिए, आर रख दिया। तो हमें सबसे पहले निकालना है किस लाइन का समीकरण, हम निकाल दें पहले, हम निकालेंगे एल का समीकरण, एल का समीकरण निकालिए पहले, एल का समीकरण,
अच्छा देखिए जो L का समीकरण होगा वो क्या है भाई, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, तो y माइनस y1 की जगह पे 1 है, 1 हो गया इक्वल टू y2 माइनस y1 जीरो माइनस 1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 2 माइनस 1 और x माइनस x1। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे भाई, एक बच्चा माइनस के एक है ना, तो ये हमारे पास कैलकुलेट होके आ जाएगी एक्स वाई माइनस, देखिए वाई माइनस वन इक्वल टू आ जाएगा माइनस का एक्स प्लस का वन, तो माइनस एक्स को इधर ले आना, प्लस का हो जाएगा एक्स प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा दो, समीकरण कौन सा हो गया एक है ना। अच्छा अब देखिए ये समीकरण एक आ गया कि एक्स प्लस वाई बराबर दो, एक्स अच्छा इस लाइन का समीकरण आ चुका, तो इस पॉइंट को निकालना है, अगर ये इस पॉइंट को अगर आप फाइंड करना चाहते हैं है ना, अगर आप इस पॉइंट को फाइंड करना चाहते हैं, चूंकि ये क्या है एक्स अच्छे ना y अच्छे ना, तो y अच्छे में x तो जीरो होगा, तो ये पहला पॉइंट हमको ये वाला पॉइंट मिल चुका है, ये पॉइंट कितना हो जाएगा भैया x जीरो रख दो, x जीरो रख दिया हमने, ठीक है, और y कितना हो जाएगा, x जीरो रखेंगे y दो आ जाएगा, यानी कि ये वाला पॉइंट जो है r के कोऑर्डिनेट हमको मिल चुके हैं जीरो कॉमा दो है ना, बस ये मिल जाए कैसे भी, और ये कैसे मिलेगी, इसकी परपेंडिकुलर लाइन निकाल दो। अब देखो इसकी परपेंडिकुलर लाइन निकालना है हमको समीकरण एक की है ना, समीकरण एक की अगर आप परपेंडिकुलर लाइन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे भाई, साइन बदल दीजिए तो ये आ जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू लेमडा मान लेते हैं, बीच का चिन्ह बदल देते हैं और आपस में गुणांक बदल देते हैं x और y के, और जहां कांस्टेंट होता वहां नया कांस्टेंट मान लेते हैं है ना, ले लिया। अच्छा अब ये इस लाइन का समीकरण है किसका, m का भाई, l की परपेंडिकुलर लाइन कौन सी है m, तो m का समीकरण क्या आ गया x माइनस वाई बराबर लेमडा, और देखिए ये पास हो रहा है कहां से, एक बटे दो कॉमा जीरो, तो एक बटे दो कॉमा जीरो रख दो, एक्स की जगह पे एक बटे दो, इसकी जगह पे जीरो बराबर लेमडा, यानी कि लेमडा का मान हमको कितना मिल गया एक बटे दो, कितना मिल गया एक बटे दो, यानी कि इक्वेशन आ गई हमारी क्या, एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक बटे दो, किसकी, ये रेखा एम का समीकरण है, किसका है ये एम का समीकरण। अच्छा अब अगर हम एम और इसको दोनों को हल कर लें, हाँ भाई अगर हम थोड़ी देर के लिए छोड़ो इसको, क्यों इसे मानो कि क्यों इसे मान लो, अगर हम m ये रेखा कौन सी m और l हल कर लें तो हमें q के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे, तो हमें इन दोनों इक्वेशंस को हल करना है, कौन सी इक्वेशन, एक तो हमारी x प्लस वाई बराबर दो और दूसरी क्या है x माइनस वाई बराबर एक बटे दो, हल करेंगे तो यहां पे x का मान जो हमको मिलेगा वो पांच बटे चार मिल जाएगा और y का मान जो मिलेगा वो तीन बटे चार मिल जाएगा। अच्छा अब देखिए अगर हम यहां पे P का पॉइंट निकालना चाहते हैं, P का मतलब y अक्ष पे काट रहा है, ये y अक्ष है और ये x अक्ष है, तो ये P का मान क्या हुआ भाई, ये y अक्ष में क्या होगा x जीरो होता है, तो ये जीरो रख दीजिए, x रख दिया हमने जीरो, x रख दिया हमने जीरो, तो y कितना आ जाएगा, y कितना आ जाएगा माइनस एक बटे दो, माइनस का एक बटे दो, y आ गया माइनस एक बटे दो, तीनों पॉइंट तीनों कोऑर्डिनेट हमको मिल चुके हैं, हम एरिया आराम से निकाल सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा और आराम से एरिया निकालेंगे, क्यों, क्योंकि हमसे यह कहा गया है कि यह एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है तो हम यहां पे क्यू पी निकालेंगे, पी क्यू निकाल दो, पी क्यू पी क्यू पी क्यू कितना हो जाएगा, इन दोनों के बीच की दूरी पांच बटे चार माइनस एक बटे दो का होल स्क्वायर और तीन बटे चार का होल स्क्वायर है ना, है अरे ये सॉरी क्या नाम है, पी पॉइंट तो ये दिया गया है ना, तो ये पी क्यू पी और क्यू के बीच की दूरी ये आ जाएगी अंडर रूट कितना, पांच बटा चार माइनस जीरो प्लस कितना जाएगा तीन बटे चार और प्लस का एक बटे दो हो जाएगा, ये तीन बटे चार प्लस एक बटा दो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा है ना, तो ये अब हमारे पास देखो स्क्वायर है इधर रहने दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा हमारा पांच बटे चार का स्क्वायर प्लस, देखिए यहां पे भी सेम बन जाएगा, चार एलसीएम लेंगे तो तीन प्लस दो बटे चार, यानी कि ये भी बन गया पांच बटे चार का होल स्क्वायर, पांच बटे चार अगर हम पूरे होल स्क्वायर कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा पांच बटे चार और एक प्लस एक यानी कि अंडर रूट दो हो जाएगा, तो पी क्यू आ गया अंडर रूट दो, और इसी तरह से हम निकालेंगे क्या क्यू आर, क्यू और आर के बीच की दूरी, तो Q और R जो निकल के आएगा वो भी सेम निकल के आएगा, आप निकालिएगा इसे है ना, पांच बटे चार अंडर रूट दो आएगा। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल है ना, यही तो है L, ये वाला पार्ट है जो भाई एक बटे दो आधार गुणे ऊंचाई,
एक बटे दो आधार, आधार कितना है पांच बटे चार अंडर रूट दो, और ऊंचाई कितनी है वो भी है पांच बटे चार अंडर रूट दो, अंडर रूट दो अंडर रूट दो मिला के दो होगा जो इससे कट जाएगा। ऊपर कितना हो गया पांच, पच्चे हो गया पच्चीस, और चार चौक हो गया कितना सोलह, है ना। तो कितना यूनिट आ गया 25 बटे 16 यूनिट। ऑप्शन कौन सा करेक्ट आ रहा है, ऑप्शन नंबर आ रहा है यहां पे बी, है ना, 74 का जो बी ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 75, है ना, देखते हैं आसान सा क्वेश्चन 75 देखिएगा। कह रहा पी इज अ पॉइंट ऑन आइदर ऑफ टू लाइंस, दो लाइन है हमारे पास, चलिए इन दोनों लाइंस को बनाया जाए। देखिएगा ये दोनों लाइंस हम बनाएंगे, एक तो लाइन हमारी बन जाएगी भाई, अगर हम देखिए यहां पे मॉड एक्स दिया गया है, अच्छा ये मॉड एक्स दिया गया है तो लाइन हमारे पास दो प्रकार से, ये एक मॉड एक्स खोला जा सकता है, एक क्या हो सकता है ये जो मॉड एक्स है ये दो कंडीशन पर डिपेंड करेगा, एक जब हमारा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो तो ये पॉजिटिव रहेगा, और x अगर लेस देन जीरो है तो ये x जो है वो निगेटिव रहेगा। तो हमारे पास अब दोनों इक्वेशंस आ रही हैं, एक इक्वेशन बन जाएगी जब पॉजिटिव लेंगे तो y बराबर, इसको उधर ले जाओ, y बराबर आ जाएगा अंडर रूट तीन एक्स प्लस दो, ठीक है, तथा दूसरी क्या हो जाएगी y इक्वल टू भाई, अब देखो x माइनस का लेना है उधर, जब इधर माइनस का लेंगे तो उधर प्लस का जाएगा, माइनस का जाएगा है भाई, भाई हमने क्या किया पहले से माइनस कर लिया चुपचाप पॉजिटिव हो गया, अब क्या कर रहे हैं यहां पे उधर गया, हमने क्या किया चुपचाप प्लस एक रखा है ना पहली वाली कंडीशन पे, अब निकाल दीजिए इस वाली कंडीशन पे, इस कंडीशन पे आ जाएगा माइनस का थ्री एक्स प्लस का टू, है ना, ये दोनों इक्वेशन रेडी हो गए। अब हम दोनों इक्वेशन में देख रहे हैं कि वाई एच पे कटा अंतःखंड जो है वो दो है, तो हम इसका फिगर ड्रॉ करते हैं, है ना, इसका चित्र बनाते हैं, ठीक है चित्र बना दीजिए, इसका चित्र बनाएंगे तो चित्र बनेगा कैसे, पहले तो एक्सेस खींच लीजिए, ये अक्ष है हमारे, अच्छा वाई एच पे कटा अंतःखंड इसका कितना है दो इकाई का है, कितना है दो इकाई, तो दो इकाई पे एक पॉइंट ले लीजिए, ये है ना, ये पॉइंट ए है, कितना दो इकाई एक्स एच वाई एच पे चूंकि तो जीरो कॉमा दो हो जाएगा, और एक लाइन हमारी इधर हो जाएगी, इधर कौन सी होगी पॉजिटिव वाली हो जाएगी, कौन सी वाई इक्वल टू अंडर रूट तीन एक्स प्लस दो, और इधर जो लाइन हो जाएगी वो लाइन हो जाएगी हमारी नेगेटिव वाली, वाई इक्वल टू कितना माइनस का अंडर रूट तीन एक्स प्लस दो। अच्छा इसके बाद हमसे कह रहा है द कोऑर्डिनेट ऑफ द फूट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम पी ऑन द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन देम, चलिए फूट ऑफ परपेंडिकुलर देख लिया जाए इसका, ये है पी पॉइंट, यहां पर है हमारा पॉइंट पी, ठीक है, कह रहा है कि द कोऑर्डिनेट ऑफ द फूट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम पी ऑन द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल, अच्छा फ्रॉम पी ऑन द एंगल बाइसेक्टर ऑफ देम, इन दोनों के एंगल बाइसेक्टर, ये वाला हमको चाहिए पॉइंट, है ना, ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए, वाई एच पे है ये पॉइंट, है ना, आराम से निकलेगा, मतलब कि जीरो रहेगा एक्स जीरो रहेगा यहां पर भी। अब देखिए हमें सिर्फ इतने डिस्टेंस मिल जाए तो काम आसान हो जाएगा, हम इस पॉइंट का नाम M ले लेते हैं, ठीक है ले लिया हमने M। अब देखिए अब अगर थोड़ा सा हम इस प्रश्न में चर्चा करना चाहें, इस लाइन को अगर हम यहां बढ़ा दें तो देखिए इस रेखा का एक्स अक्ष के साथ झुकाव है जो अंडर रूट तीन है, कितना है अंडर रूट तीन, ये पैरेलल यहां पर खींच दीजिए, थोड़ा सा खींच दीजिए, हम ये एंगल निकालना चाह रहे हैं इसलिए ऐसा कर रहे हैं, देखिए यहां पे अंडर रूट तीन, और आपको पता है कि m बराबर क्या होता है tan थीटा, m कितना दिया है अंडर रूट तीन बराबर tan थीटा, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा भैया 60 अंश आ जाएगा, तो ये वाला एंगल जो है 60 हो गया, ये एंगल हो गया 60, तो पूरा कितना होता है 90, तो ये कितना हो जाएगा ये 30 का हो जाएगा। अब आ जाइए आप इसी ट्राइंगल में, हैं इसका नाम दे दीजिए ए पॉइंट, और इसका पॉइंट का नाम दे दीजिए आप, इसका पी दे दो, पी नाम दे दो, पी ए तो रख चुके हैं ना, ये हमारा पी है, पी से ही तो डाला जा रहा है, ठीक है पी हो गया। अच्छा क्रैक द फूट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम पी ऑन द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल विट बिन देम, इन दोनों के एंगल बाइसेक्टर के बीच में हमें ये निकालना है, पॉइंट एम के कोऑर्डिनेट हमको निकालने हैं। अच्छा
एपी कितना दिया गया है हमको यहाँ पे, एपी दिया गया है द डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स फ्रॉम देयर पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, है ना, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पी की जो डिस्टेंस है ये वो कितनी है, 5 यूनिट है, यानी कि एपी कितनी है, एपी बराबर 5 है, एपी बराबर कितना है, 5 यूनिट। चलो एपी हो गया 5 यूनिट। अच्छा यहां पर हम कॉस 30 लगा देते हैं, इस ट्राइंगल में कॉस 30 लगा देते हैं, 90 अंश हमारा है ये ऑलरेडी, है ना, कॉस 30 लगा दीजिए। आधार बटे कर्ण, आधार कितना दिया गया, सामने वाला लंब हो गया, आधार हमारा एम है, एम बटे कर्ण, कर्ण है एपी। अच्छा क्रॉस मल्टीप्लाई करें अगर हम, एम बराबर निकल लिखें एपी और कॉस 30, कॉस 30 का मान कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3/2, एम मिल गया हमको 5/√2, है ना। हमको अगर एम के कोऑर्डिनेट निकालना है तो भैया एक्स अच्छे, चूंकि वाई अच्छे तो एक्स वाला कोऑर्डिनेट तो यहां 0 ही होगा। अच्छा और ये है हमारा, यहां से ये ओरिजिन है, ओरिजिन से लेके यहां तक की दूरी कितनी है, तो ये 2 है और ये है 5√3/2, तो दोनों जोड़ दिया जाए कितना जाएगा 2 प्लस, अरे ये क्या हो जाएगा, एक्स तो 0 हो गया, अब वाई एच में कितना चला है ये पॉइंट, तो ये चला है 2 + 5√3/2। एलसीएम ले लीजिए, हल कर लीजिए इसको, 0, 4 + 5√3/2, है ना। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, देखिएगा बी वाला ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा, 75 का ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 76, 76 की तरफ बढ़िए। करा द स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन, कह रहा है कि इस इक्वेशन के द्वारा स्ट्रेट लाइन जो रिप्रेजेंट की गई है उनके बीच का एंगल कितना है। इसका मतलब कि यहां पे हमारे पास दो इक्वेशंस होंगी, है ना, देखते हैं, होमोजीनियस होगा कहने का मतलब। अच्छा ये यहां पे थोड़ी सी त्रुटि है, ये अल्फा होना चाहिए था, है ना, ये क्या होगा, अल्फा होगा दोनों जगह पे, ठीक है। अब देखिए ये कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, इसके साथ में साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा और इसके साथ में भी साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू में आ जाएगा ए प्लस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए, एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2xy साइन अल्फा और कॉस अल्फा, ठीक है, वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा कट, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। आ जाइए एक्स स्क्वायर के साथ, एक्स स्क्वायर लेंगे कॉमन, देखो इधर लाएंगे तो ये आ जाएगा, उधर ले जाइए इस पद को उठा के उधर ले जाइए, एक्स स्क्वायर लेंगे कॉमन तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, यानी कि ये बन जाएगा कॉस 2 अल्फा, ये बन गया कॉस 2 अल्फा। अच्छा और माइनस का है हमारे पास कितना, ये है 2xy साइन अल्फा कॉस अल्फा इक्वल टू 0। अगर हम इसको होमोजीनियस इक्वेशन से कंपेयर करें, क्या ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 से अगर हम कंपेयर करें, तो यहां पे हमारे पास a का जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, कॉस 2 अल्फा, कॉस 2 अल्फा, और जो b का वैल्यू आएगा चूंकि y स्क्वायर वाला टर्म ही नहीं तो b का मान 0 आ जाएगा। अच्छा और h जो आएगा, h बराबर आ जाएगा माइनस का साइन अल्फा कॉस अल्फा, भाई 2h बराबर हो जाएगा कितना, 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, माइनस लगा है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो h बराबर आ गया माइनस का साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब हमें निकालना है दोनों के बीच का कोण, तो दोनों के बीच का कोण अगर हम मान लेते हैं थीटा थोड़ी देर के लिए, तो टेन थीटा बराबर सूत्र होता है ना, होमोजीनियस इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर के बीच का जो कोण होता है टेन थीटा बराबर होता है 2√h²-ab डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, है ना, 2√h²। देखिए ये हमारे पास h स्क्वायर दिया गया है, h दिया गया है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, है ना, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा भैया, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा और ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस ए इंटू बी, बी का मान 0 इसलिए आगे 0 हो जाएगा, हम चाह रहे हैं कि उसे हटा दो, रखा ही ना जाए, माइनस 0 रखने का कोई फायदा नहीं है, डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, ए का मान है कॉस 2 अल्फा और बी का मान है 0, रखना है तो रख दीजिए 2,
देखिए स्क्वायर के अंदर से निकल के आएगा एक साइन अल्फा और निकल के आएगा एक कॉस अल्फा और डिवाइड में है हमारा कॉस टू अल्फा, किसके बराबर है टेन थीटा के। तो ये हो जाएगा टेन थीटा बराबर साइन टू अल्फा, ऊपर बनेगा साइन टू अल्फा बटे कॉस टू अल्फा, यानी कि आ जाएगा टेन टू अल्फा, टेन टेन दोनों तरफ से हटा देंगे तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा टू अल्फा, यानी कि इन दोनों पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के बीच में जो एंगल होगा वो कितना होगा टू अल्फा का एंगल होगा, यानी कि क्या हो जाएगा 76 का ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 77। अच्छा अब देखिए 77 में उनको दिया गया है क्या, शेक अल्फा प्लस टेन अल्फा इंटू शेक बीटा प्लस टेन बीटा। अब इस प्रश्न में समझना है थोड़ा सा, बराबर टेन अल्फा टेन बीटा, हम चाह रहे हैं कि इस साइड मल्टीप्लाई कर दिया जाए, हम चाह रहे हैं ये वन बन जाए, ये वन कब बनेगा जब इसको मिल जाए क्या इंटू में शेक अल्फा माइनस टेन अल्फा, तभी तो बनेगा शेक स्क्वायर अल्फा माइनस टेन स्क्वायर अल्फा, यानी कि हम LHS और RHS में दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें, किसका शेक अल्फा माइनस टेन अल्फा का मल्टीप्लाई करें, फिर शेक बीटा माइनस टेन बीटा का मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ, और शेक गामा माइनस टेन गामा का दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें, तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए प्लस बी है। आगे देखिए शेक अल्फा प्लस टेन अल्फा इंटू शेक अल्फा इंटू टेन अल्फा, तो ये बन जाएगा माइनस में आएगा ना, शेक अल्फा प्लस टेन अल्फा इंटू में आ गया शेक अल्फा माइनस टेन अल्फा, तो ये बन जाएगा हमारा कितना शेक स्क्वायर अल्फा माइनस टेन स्क्वायर अल्फा, इधर बन गया मल्टीप्लाई किए दोनों तरफ करेंगे ठीक है इंटू, और इधर ही सेम ये बन जाएगा शेक स्क्वायर बीटा माइनस का टेन स्क्वायर बीटा माइनस टेन स्क्वायर बीटा, और ये आ जाएगा शेक स्क्वायर गामा माइनस का टेन स्क्वायर गामा इक्वल टू, देखिए ये टेन अल्फा को तो चुपचाप रहने दिया जाए, टेन बीटा को चुपचाप रहने दिया जाए, टेन गामा को चुपचाप रहने दिया जाए, है ना इनटू में, और इसके साथ चूंकि इधर मल्टीप्लाई किए दोनों तरफ करना चाहिए, देखो इससे अल्फा माइनस टेन अल्फा का मल्टीप्लाई किए थे तो उसे भी लिख लिया जाए शेक अल्फा माइनस का टेन अल्फा इंटू शेक बीटा माइनस का टेन बीटा इंटू ये हो जाएगा शेक गामा माइनस टेन गामा, ये हो गया भाई। अब देखो इसकी वैल्यू वन आ जाएगी, वन इंटू वन इंटू वन बराबर में आ गया, देखिए इधर टेन अल्फा टेन बीटा टेन गामा है ना, इसे डिवाइड में ले आओ, वन बटे आ जाएगा टेन अल्फा और ये हो जाएगा साहब टेन बीटा और ये हो जाएगा टेन गामा, इधर इंटू में हमारे पास कौन शेक अल्फा माइनस टेन अल्फा, ठीक है शेक अल्फा के बाद बीटा है, शेक बीटा माइनस का टेन बीटा इंटू शेक गामा माइनस का टेन गामा, तो ये बन जाएगा बराबर, यही तो हमसे पूछा है शेक अल्फा ये बीटा यही तो पूछा है इंटू में, तो ये बन जाएगा कॉट अल्फा इंटू कॉट बीटा इंटू कॉट गामा, है ना भैया, वन बाई टेन टेन अल्फा कॉट अल्फा बन जाएगा, ये कॉट बीटा बन जाएगा, कॉट गामा बन जाएगा और बराबर में हमारे यही है ना, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हमने कुछ किया नहीं, हमने आंसर को कॉपी किया, आंसर में पता चला वो पूछ रहा है सेक अल्फा माइनस टेन अल्फा, सेक बीटा माइनस टेन बीटा, सेक गामा माइनस टेन गामा, तो हमने दिमाग लगाया कि ऊपर क्या करें दोनों तरफ अगर मल्टीप्लाई कर दें तो इधर ये हमारा ये टर्म भी बन जाएगा और इधर क्या होगा इनका पेयर भी मिल जाएगा, जिससे ये बन जाएगा क्या सेक स्क्वायर अल्फा माइनस टेन स्क्वायर अल्फा, इसकी वैल्यू वन हो जाती है, इसके वैल्यू वन हो जाएगी, इसकी वैल्यू इसी तरह से वन हो गई, है ना, तो ये हमारे पास बन गया 77 का पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 78 हमसे कह रहा है कि किस प्रकार का एक क्वेश्चन बनेगा, है ना, एक्स का मान दिया है वाई का मान दिया है, तो एक काम करते हैं हम पहले दोनों को जोड़ के देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करके देख लीजिए, देखिए दोनों को वर्ग करके जोड़ दिया जाए, इसकी वैल्यू दी गई हमें 2a थीटा का स्क्वायर, है ना, बटे में कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 1 प्लस थीटा स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा इसे अगर हम स्क्वायर करें थोड़ी देर के लिए तो ये बन जाएगा क्या 4a स्क्वायर थीटा स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, देखिए a स्क्वायर उसके साथ भी है a स्क्वायर हो जाएगा और ये आ जाएगा 1 माइनस थीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये 1 प्लस थीटा स्क्वायर का
स्क्वायर हो गया। पूरे से ए स्क्वायर ले लीजिए कॉमन, ए स्क्वायर फोर थीटा स्क्वायर प्लस, है ना, ये फोर थीटा स्क्वायर हो गया। अच्छा यहां पे आ जाएं, देखिए वन माइनस थीटा स्क्वायर दिया गया है, ये वन माइनस थीटा का होल स्क्वायर, इसको ओपन कर दीजिए, इसे ओपन कर दीजिए। ए स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया बाहर, कुछ टेंशन नहीं लेना, नीचे एलसीएम सेम है तो इसकी भी टेंशन नहीं लेना, वन प्लस थीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। अच्छा इसे ओपन करेंगे ना तो आ जाएगा वन प्लस थीटा की पावर फोर हो जाएगा और माइनस का टू थीटा स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब देखिए यहां पे फोर थीटा स्क्वायर माइनस का टू थीटा स्क्वायर, यानी कि ऊपर से हम क्या करेंगे हटा दीजिए, ये ए स्क्वायर हो गया, कम हो जाएंगे भैया चार थीटा स्क्वायर, ये दो घट जाएंगे तो आ जाएगा वन प्लस थीटा की पावर फोर प्लस टू थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई, इसका भी ओपन इसको खोल दीजिए, वन प्लस थीटा की घात चार प्लस टू थीटा स्क्वायर, दो सेम है काट दीजिए, कितना आ गया ए स्क्वायर, कितना आ गया भैया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, है क्या कोई ऐसा, बिल्कुल बी वाला ऑप्शन मैच कर रहा है ना। तो ये क्या है पैरामेट्रिक इक्वेशन जो थी वो क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर की इक्वेशन, यानी कि एक सर्कल की इक्वेशन हमको गिवन है यहाँ पे, है ना। 78 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 79 देखेंगे, ओहो शानदार है ना, एक बेहतरीन क्वेश्चन, एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन देखिएगा। इन ट्राइंगल पी क्यू आर, आर बराबर 90 दिया गया है, ट्राइंगल है हमारे पास जिसमें आर 90 दिया गया है। अच्छा ठीक है, आर 90 दिया गया, उस ट्राइंगल में एक एंगल 90 हो गया तो कौन बचा, एंगल पी बचा, एंगल क्यू बचा, तो एंगल पी और क्यू जोड़ने पे भी कितना आएगा 90 आएगा, है कि नहीं, बिल्कुल। तो दोनों तरफ क्या करिए डिवाइड कर दीजिए, दोनों तरफ क्या करिए डिवाइड कर दीजिए पी से, तो देखो पी बाई टू और क्यू बाई टू हो गया, है ना, ये हो गया हमारे पास पी बाई टू प्लस क्यू बाई टू इक्वल टू आ जाएगा कितना 45 डिग्री, दोनों तरफ आप टेन ले लीजिए, ये आ जाएगा टेन पी बाई टू प्लस टेन क्यू बाई टू डिवाइडेड बाई वन माइनस टेन पी बाई टू और टेन क्यू बाई टू, और टेन 45 बनेगा, इसका मान 1 हो जाएगा इधर। अच्छा अब देखिए हमसे कह क्या रहा है कि टेन पी बाई टू और टेन क्यू बाई टू जो दोनों हैं वो क्या है रूट है किस इक्वेशन के, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के। अच्छा अब देखिए मतलब ये क्या है टेन पी बाई टू प्लस टेन क्यू बाई टू सम ऑफ रूट, मूलों का योगफल, ये दोनों का मूलों का योगफल, मूलों का योगफल क्या हो जाएगा माइनस का बी बाई ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन पी बाई टू इंटू टेन क्यू बाई टू, तो इसका मतलब क्या है मूलों का गुणनफल, तो ये कितना हो जाएगा भैया c बाई ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, है ना। एलसीएम लीजिए माइनस का b बटा a और ये आ जाएगा a माइनस c बटा a इक्वल टू 1, a से a काट दीजिए, अब कितना आ गया माइनस का b बराबर आ गया कितना a माइनस c। अच्छा a माइनस का b बराबर में आ गया कितना a माइनस C, हमें क्या चाहिए C को इधर भेज देना चाहिए, C को इधर भेजो प्लस का आएगा और B को उधर भेजो प्लस का हो जाएगा उधर, C बराबर A प्लस B, कौन सा ऑप्शन A प्लस B बराबर C, है ना, पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 79 का A ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80 यानी कि 80 कह रहा है कि यदि एक्स इज इक्वल टू हमको ये दिया गया है, शानदार क्वेश्चन है ना, बस इसे थोड़ा सा तरीके से इस्तेमाल करना है, देखिएगा एक्स बराबर हम ये चाह रहे हैं कि भैया साइन 10 है ना, साइन 10 है ना, हम क्या करें दो का दोनों तरफ गुणा करो पहले, तो दो एक्स और एक गुणा कर लीजिए साइन 10 से गुणा कर लीजिए, फिर अपने आप बनता चला जाएगा, दो साइन और इधर हमने दो से गुणा किया और साइन 10 से भी किया, दोनों तरफ हमने किया, देखिए हम फ्री हैं, साइन दो साइन दस इधर भी गुणा किया इधर भी गुणा किया इनटू ये क्या है भैया कॉस दस नहीं नहीं हाँ कॉस दस है और उसके बाद क्या है भैया कॉस बीस और क्या है कॉस चालीस। अच्छा ये हो गया दो एक्स साइन दस बराबर, देखिए अब हम क्या करेंगे अगली लाइन में और एक दो से गुणा कर लेते हैं तो ये चार हो जाएगा और इधर क्या बनेगा ये तो हमारा साइन बीस बन जाएगा, साइन 20 और दो से जो मल्टीप्लाई हुआ है 2 इंटू साइन 20 और कॉस 20 और आगे कौन है कॉस 40, एक और दो से गुणा करो 8x साइन 10 बराबर, ये देखो क्या बन जाएगा साइन 40
जो 2 से गुणा होगा तो साइन 80 बन जाएगा। हैं भाई, भाई ये हमने क्या किया, 2 से गुणा किया है। अभी देखिए चुपचाप इधर रखा है कि इधर नहीं रखा, देखो ये तो हमारा साइन 40 हुआ, 2 से गुणा किया, 2 साइन 40 कॉस 40 यानी साइन 80 बन गया ये। अच्छा x का मान निकालना है हमको यहां पे, है ना, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन 80 को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 10, यानी कि ये कॉस 10 हो जाएगा, कॉस 10 बटे 8 साइन 10, 1/8 को रहने दीजिए, कॉस 10 बटे साइन 10 मतलब क्या हुआ भैया, ये कॉट 10 है ना, 1/8 कॉट 10, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 80 का सी वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 81 है ना, 81, हाँ ठीक है। द स्ट्रेट रोड इंटरसेक्ट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, कह रहा है कि दो स्ट्रेट, यहां पे मुझे लग रहा है 2 होना चाहिए था, है ना, 2 स्ट्रेट रोड इंटरसेक्ट एन एंगल 60 डिग्री, 2 स्ट्रेट रोड है जो स्ट्रेट को 60 डिग्री, और जो पार है वो 3 किलोमीटर की दूरी है, और हम यहाँ पे लगा देते हैं कोसाइन फॉर्मूला, है ना, तो कोसाइन हम ये कॉस 60 यहां इस्तेमाल कर रहे हैं, इक्वल टू भाई जो एंगल लेते हैं उसके सामने वाली भुजा माइनस में चली जाती है, तो ये बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2bc होता है। कॉस 60 का मान 1/2 हो गया, बी स्क्वायर यानी कि 9 हो गया, सी स्क्वायर यानी कि 4 हो गया, माइनस का ए स्क्वायर हो गया 2 गुड़े बी का मान 3 और सी का मान 2, 2 से 2 काट देंगे, है ना, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 9 4 13 हो जाएंगी। अच्छा तो ये 13 और ये 6 है ना, तो ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 13 माइनस 6 यानी कि 7, ए स्क्वायर बराबर 7 है ना, तो ए बराबर कितना आ जाएगा, √7 है ना, √7 किलोमीटर। कितना है इन दोनों व्हीकल्स के बीच की दूरी, √7 किलोमीटर है ना। 81 में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 81 में डी वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ, 82। क्वेश्चन नंबर 82 में कह रहा है कि इन अ ट्रायंगल एबीसी, कह रहा है कि एक ट्रायंगल एबीसी में, ये बी और सी दो चीजें दी गई हैं। अच्छा एक ट्रायंगल एबीसी है, दो एंगल दिए गए हमको, एक बी एंगल दिया गया है और एक सी दिया गया है। बी पाई बाई 3 का मतलब होता है 60 और इसका मतलब होता है 45 पाई बाई 4 का, ठीक है। और कह रहा है कि लेट डी डिवाइड्स बीसी इंटरनली, है ना, कह रहा है कि बीसी को डिवाइड, जो डी है वो डिवाइड कर रहा है बीसी को किस रेशियो में, 1:3 के रेशियो में इसे डिवाइड कर रहा है। ये हमारा बी पॉइंट है और यहां पे डी है, तो इसका मतलब ऊपर ए है, है ना। हमसे कह रहा है कि साइन, अच्छा ये डिवाइड कर रहा है, देखो इसे इंटरनली इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इस एंगल को आप थीटा ले लो और इस एंगल को आप फाई ले लो। तो हमसे कह रहा है कि साइन बी ए डी मतलब ये हमसे पूछा है कि क्या साइन थीटा, हमने थीटा उसे लिख दिया है, और सी ए डी का मतलब फाई है ना, सी ए डी, अरे ये सी है, सी ए डी यानी कि साइन फाई, हमसे पूछा है क्या साइन थीटा बटे साइन फाई का वैल्यू क्या होगा। अब हम एक काम करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल में हम लोग लगाएंगे साइन रूल, है ना, क्या लगाएंगे, साइन रूल। चलिए पहले इस ट्राइंगल में लगाओ साइन रूल, आप इस ट्राइंगल में अगर हम साइन रूल लगाएंगे तो ये आ जाएगा कितना, एडी बटा, ठीक है, भुजाओं का रेशियो और एंगल का रेशियो इक्वल होता है ना, तो आ जाएगा एडी, एडी के सामने का एंगल कौन है, साइन 60, वो आगे रख लेंगे हम,
एडी बटे बी डी रखते हैं, एडी बटे में बी डी। अच्छा, एडी के सामने के एंगल का साइन के साथ ले लीजिए आप, एडी साइन 60 हो जाएगा इस वाले ट्राइंगल में, और ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। अच्छा, साइन 60 का मान होता अंडर रूट 3 बटा 2, तो अंडर रूट 3 बटा 2 साइन थीटा आ गया, ये इसे यहीं छोड़ दीजिए, है ना। अब आगे आ जाइए। अच्छा, अगले वाले इस वाले ट्राइंगल में आ जाओ, अगले ट्राइंगल में देखो हम एडी बटे सीडी बराबर कितना हो जाएगा भाई, एडी के सामने कौन सा एंगल है 45, साइन 45 बटे, साइन रूल होता है साइन ए अपान ए इक्वल टू साइन बी अपान साइन ए अपान ए इक्वल टू साइन बी अपान बी इक्वल टू साइन सी अपान सी, तो हम उसे ए अनुपाते बी अनुपाते सी बराबर साइन ए अनुपाते साइन बी अनुपाते साइन सी भी लिखते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है ना कि आपने दोनों साइड्स का रेशियो ले लिया। बिल्कुल, ये साइड्स का रेशियो और ये एंगल का रेशियो है साइन के साथ, है ना, कोई दिक्कत नहीं, दोनों एक के बातें हैं, ठीक है। चलिएगा, साइन 45 थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो गया है ना यहां से, तो ये साइन 45 हो गया, और सी डी के सामने देखो, सी डी के सामने एंगल फाई है तो साइन फाई आ जाएगा। अच्छा, कैलकुलेट करेंगे साइन 45 का मान, एक बटे अंडर रूट 2 होता है तो अंडर रूट 2 नीचे आएगा, अंडर रूट 2 साइन फाई, ठीक है। अच्छा, अब अगर थोड़ा सा हमें काम करें यहां पे, हम इसे पलट दें, चाहे ऊपर वाले को पलट दीजिए, तो ये आ जाएगा कितना, बी डी बटे ए डी बराबर, ये आ जाएगा 2 साइन थीटा बटे अंडर रूट 3। भाई LHS और RHS दोनों को पलटेंगे, है ना, पलट दिया हमने। अब देखिए, अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, कौन सा भाई, हम यहां ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखो हमको यहां पे दिया गया है क्या, बी डी अनुपाते सी डी 1/2, बी डी बटे सी डी कितना है 1/2, तो हम ये वाला कौन सा, एक तो ये दिया गया है, एक ये दिया गया, दोनों को गुणा कर रहे हैं, LHS का गुणा LHS से, RHS का गुणा RHS से, तो देखिए ये कितना हो जाएगा भैया, इधर का गुणा करेंगे तो ये बी डी बटे ए डी आ जाएगा इन टू ए डी बटे सी डी, है ना, सी डी इक्वल टू ये आ जाएगा 2 साइन थीटा बटे अंडर रूट 3 इन टू में आ जाएगा 1/√2 साइन फाई, एडी से एडी कट जाएगा, बीडी बटे सी डी कितना आ जाएगा 1/3 इक्वल टू, देखिए अंडर रूट 2 है और ये 2 है, तो ऊपर सिर्फ हमारे पास अंडर रूट 2 बचेगा, अंडर रूट 2 साइन थीटा बटे अंडर रूट 3, और इससे काटेंगे, देखो ये 3 है, 3 को हम लिख देंगे क्या, अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3, एक अंडर रूट 3 कट जाएगा, और यहां से आने वाला है हमारे पास साइन फाई, यानी कि ये बनने वाला है साइन थीटा बटे में साइन फाई बराबर 1/√6, इस अंडर रूट 2 का मल्टीप्लाई होगा 1/√6, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भैया, 82 का ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 83 यानी कि 83 की तरफ। 83 में कह रहा है कि इफ द रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ एन आइसोसेल्स ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू टू इक्वल टू पी क्यू बराबर पी आर। अच्छा, सर्कम सर्कल एक खींच लीजिए पहले, ये हमारा सर्कम सर्कल है, मतलब परिवृत्त, है ना, परिवृत्त, इसका अपना सेंटर है, ये इसका सेंटर हो गया ओ, ठीक, और ये एक आइसोसेलस ट्राइंगल हम यहां बना रहे हैं, ये एक आइसोसेलस ट्राइंगल है जिसमें दोनों भुजाएं बराबर हैं, ठीक, यहां पे हमारा पास पॉइंट पी है और ये पॉइंट है क्यू, ये पॉइंट है आर। अच्छा, उसने बता दिया है हमको कि ये दोनों बराबर हैं, कौन सी, पी क्यू और पी आर, ये और ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं, और किसके बराबर हैं, इसकी रेडियस के, इसकी रेडियस के बराबर हैं। अच्छा भाई, रेडियस के बराबर हो गई, वाह, देखिएगा, यानी कि जो पी क्यू है वो बराबर है पी आर के, बराबर है किसके, रेडियस के, कहने का मतलब ये रेडियस भी, भाई ये पी क्यू जो है बराबर है किसके, त्रिज्या के, तो ये दोनों बराबर हो गए, ये दोनों त्रिज्या है, तीनों बराबर हो गए, तीनों बराबर हो गए, मतलब ये हुआ कि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और ये अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये कितना हो जाएगा, 60 अंश का हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 60 अंश, और सेम यहां भी लागू होता है, ये भी हमारी त्रिज्या होगी और ये भी हो जाएगा 60, है ना, और हमसे पूछा है एंगल पी,
तो एंगल पी दोनों मिला के कितना हो गया 60 और 60 कितना हो गया 120। अरे ये क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है 60 अंश का होता है ना। तो कितना हो गया भैया, अब एंगल पी इज इक्वल टू कितना हो गया 60 प्लस 60 यानी कि 120 पाई बटा 180 से मल्टीप्लाई कर दो है ना, तो रेडियन में चेंज हो जाएगा। चलिए अब हम इसे काट देंगे, 12 है 6 से काट दीजिए, 6 दूनी 12 अच्छा 3 18 2 पाई बटा 3 है ना, ये वाला डी वाला ऑप्शन 83 में डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो गया। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 84। कह रहा है कि इफ इन अ ट्राइंगल पी क्यू आर, एक ट्राइंगल पी क्यू आर में साइन पी साइन क्यू साइन आर आर इन एपी, कह रहा है एपी में दिए गए हैं अगर ये, तो कह रहा है इनके एल्टीट्यूड क्या होंगे, किस में होंगे, देखते हैं यहां पे ये ट्राइंगल है साइन पी साइन क्यू और साइन आर दिए गए हैं हमको, कोई दिक्कत नहीं, ये ट्राइंगल दे दिया ठीक है, ये हमारा पी पॉइंट हो गया, ये क्यू पॉइंट हो गया और ये आर पॉइंट हो गया, तीनों हो गए अच्छा, ये क्यू इस पॉइंट का नाम दे दीजिए क्यू ई, ई दे दीजिए, ये एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड का मतलब 90 अंश का कोण बना रहे हैं, और ये अगर आर यहां से गया तो ये हमारा एफ है, एफ है ये भी 90 अंश का कोण बनाएगा, और ये हो गया यहां भी एल्टीट्यूड है ना, एफ के बाद ये हमारा डी हो गया, डी ई एफ हो गया सभी है ना। अच्छा त्रिभुज है तो ये क्यू है, इस वाली भुजा पी आर का नाम स्मॉल क्यू दे दीजिए माप, और इसकी स्मॉल पी दे दीजिए और इसकी स्मॉल आर दे दीजिए ठीक है। अब हमें एल्टीट्यूड निकालना है, देखिएगा अब अगर हम यहां पे यूज करना चाहें है ना साइन आर, कोई भी ट्राइंगल उठाइए, मान लीजिए कि हम साइन आर ये वाला यूज करना चाहते हैं, इस ट्राइंगल में है हम, इस ट्राइंगल में साइन आर, भाई हमें साइन आर चाहिए, साइन पी चाहिए, साइन क्यू चाहिए, सभी चाहिए, साइन आर लंब बटे करण है ना, तो लंब क्या है पी डी, पी डी बटे करण क्या है पी आर है ना, पी आर का मतलब क्या है, पी आर की लंबाई कितनी, क्यू दी गई है, क्यू है ना, इसी तरह से बाकी आप सभी निकालेंगे है ना, हमने क्या किया साइन आर बराबर निकाल दिया पी डी, तो ये पी डी बराबर यहां से निकालेगा, पी डी क्या है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर निकाल लें क्योंकि इसी एल्टीट्यूड में तो हमको रिलेशन चाहिए, एल्टीट्यूड निकाल रहे हैं हम, पी डी बराबर कितना आ जाएगा भैया, ये आ जाएगा क्यू साइन आर। अच्छा अगर हम इसको साइन रूल से चेंज करना चाहें तो क्या हो जाएगा के साइन क्यू है ना, भैया साइन ए ऐसे लिखते हैं ना, पढ़ा है ना आपने, अगर लिखा होता साइन क्यू बटा क्यू बराबर साइन ये लिखा होता, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये लिखा होता क्यू बटा साइन क्यू, अरे भुजा है ना ये तो स्मॉल क्यू, इक्वल टू पी बटा साइन पी इक्वल टू के लिखा होता है ना, तो अगर हम यहां से निकालना चाहते क्या क्यू, तो क्यू बराबर क्या आता क्यू क्यू साइन क्यू है ना, ये तो होता हमारा साइन रूल ठीक है। तो ये हो गया, अच्छा आगे साइन आर है हमारे पास पहले से, हम चाह रहे हैं कि साइन पी का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया जाए, साइन पी और नीचे भी साइन पी ठीक है, तो ये हमारा पी डी आ गया, पी डी क्या आ गया के साइन पी, ये क्या है साइन पी साइन क्यू साइन आर बटे साइन पी, ये पी डी आ गया, और इसी तरह से सेम जैसे हमने पी डी निकाला है उसी तरीके से हम निकाल लेंगे, क्या पी डी निकाल लिया, पी डी के बाद ऐसे सेम आप निकाल दीजिए क्यू ई, तो क्यू ई भी आ जाएगा, के आ जाएगा साथ में इसके है ना, के आ जाएगा साइन आर आ जाएगा, के साइन आर और साइन पी और इसी तरह से साइन क्यू, डिवाइड में यहां पे आएगा हमारे पास साइन क्यू ठीक है, क्या आ जाएगा साइन क्यू डिवाइड में आ जाएगा, क्यू ई हो गया, एक मिनट देख ले आ तो रहा है ना स्क्रीन में ठीक है, क्यू ई के बाद अगला एल्टीट्यूड आप निकाल लीजिए एफ आर, अरे एफ आर निकालना है अगर आपको है ना, तो एफ आर कैसे निकालेंगे भाई, यहां पे हम एंगल जो लेंगे वो क्या लेंगे क्यू वाला ले लेंगे एफ आर के लिए, तो ये आ जाएगा अब हमारे पास के साइन क्यू, के साइन क्यू है ना, इंटू साइन पी भी आ जाएगा साथ में, साइन पी वो निकाल लीजिएगा आप इसे साइन आर, जैसे हमने ऊपर वाला निकाला सेम बटे में आ जाएगा साइन आर, साइन आर से हम डिवाइड करेंगे दोनों तरफ। अब देखिए हमें एल्टीट्यूड के बारे में बताना है कि वो किस में है,
तो देखिएगा अगर हम एल्टीट्यूड का अनुपात निकालें, पीडी अनुपाते, क्यूई अनुपाते, एफआर, देखिए सब में अंश अंश सभी में सेम है, अनुपात में अंश अंश कट जाएंगे, ऊपर हर बचा इसका पीडी का कितना साइन पी और ये साइन क्यू और ये साइन आर। अब देखिए साइन पी साइन क्यू साइन आर एपी में है तो 1/sin P, 1/sin Q, 1/sin R किसमें होंगे, ये होंगे एचपी में, है ना, अपोजिट होती है। अगर 1, 2, 3 एपी में है तो 1/1, 1/2 और 1/3 किसमें होंगे, एचपी में होंगे, है ना, अपोजिट होते हैं। तो अगर साइन पी साइन क्यू साइन आर एपी में दिया गया है तो 1/sin P, 1/sin Q और 1/sin R जो होंगे वो किसमें होंगे भैया, एचपी में होंगे। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एल्टीट्यूड का कोई दिक्कत तो नहीं है ना, जैसे हमने यहां पे साइन आर निकाला था, है ना, इस ट्राइंगल में, उसी तरह से आप साइन पी को लेंगे, उस क्या लेंगे, जैसे हमने साइन आर निकाला उसी तरह आप साइन पी को लेंगे इस वाले ट्राइंगल में, ये आपको ट्राइंगल दिख रहा है, ये वाला, और उसी तरह से आप साइन क्यू लेंगे तब आपको ये वाला ट्राइंगल यूज करना है, ये वाला ट्राइंगल, है ना, ठीक है। तो साइन क्यू के लिए ये वाला ट्राइंगल यूज करेंगे, ठीक है, एकदम सेम कॉन्सेप्ट लगाइएगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, है ना, चलेगा। इसके बाद हम निकालते हैं क्वेश्चन नंबर 85, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, 85 क्वेश्चन ही पूछे गए थे 2003 के इस पेपर में। 85 क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि इफ द डेटा गिवन टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ए बी सी, ए बराबर इतना 5, बी बराबर 7, साइन ए बराबर 3/4, देन इट इज पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ओनली ए ट्राइंगल, कितने ट्राइंगल बनाए जा सकते हैं ये बताना है, लगाइए साइन रूल ना, बाई यूजिंग साइन रूल, साइन रूल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा साइन ए बट्टा ए इक्वल टू साइन बी बट्टा बी, ठीक है। साइन ए बराबर कितना दिया है 3/4, अच्छा ए का मान कितना है 5 बराबर, साइन बी हमको नहीं पता, साइन बी बट्टा बी, बी का मान है 7, इधर दे तो गुणा कर दो इसका 7 का, कितना जाएगा 21/20 बराबर साइन बी। जब हम भाग देंगे तो साइन का मान जो होगा, साइन बी का मान क्या होगा, ग्रेटर देन 1 आएगा, ग्रेटर देन 1 आएगा कि नहीं, 1 से ज्यादा आएगा, है ना भाई, अरे 20 से भाग देंगे तो भाग देंगे 1.2 कुछ आएगा, 20 सेकंड 20, है ना, तो उसके बाद 10, 0, 5, 20, 25, 100, मतलब कि 1 से ज्यादा आएगा, और साइन का मान हमने मैक्सिमम पढ़ा है 1, मिनिमम पढ़ा -1, है ना, विच इज नॉट पॉसिबल, यानी कि कभी भी ये साइन बी जो है वो क्या है, वो कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता, है ना, ये पॉसिबल नहीं है, विच इज नॉट पॉसिबल, और जब ये पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब कि ट्राइंगल भी नहीं बनेगा, कोई भी ट्राइंगल नहीं बनेगा, नो ट्राइंगल। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए, लेक्चर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।